हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है ये देवी मंदिर। इस मंदिर की देखभाल करते हैं मुस्लिम। ये तस्वीर है देश के जम्मू कश्मीर राज्य की, जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की थनमंडी तहसील के पुराना थन्ना क्षेत्र में ये जगह है। पिछले 80 सालों से एक मुस्लिम परिवार माता देवी मंदिर की देखभाल कर रहा है। ये मंदिर करीब 200 साल पुराना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हिंदू परिवारों की संख्या जबरदस्त थी, लेकिन जब आतंकवाद ने अपने पैर पसारने शुरू किए तो वहाँ कोई दिल्ली, कोई जम्मू तो किसी ने दूसरी जगहों पर अपना ठिकाना बना लिया। पिछले करीब 25 सालों से थन्ना मंडी में एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता, और इसके बावजूद आज तक मंदिर को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। वहीं मंदिर की देखभाल कर रहे मुस्लिम परिवार के सदस्य पूर्व सैन्य अधिकारी मोहम्मद शमी है, जिन्होंने कहा कि हमारे खानदान की पिछली 3 पीढ़ियां मंदिर की देखभाल कर रही है। 75 साल मेरी उम्र है, उसे 97 के दौर से पहले यहाँ भी सुकून रहा, अमर रहा, कोई बात नहीं है। अब जिस वक्त इमरजेंसी का दौर है 97 का, उस वक्त थी, उस हालात में भी हमारे मंदिर जो या गुफा देवी माता महफूज रही और ठीक ठाक रहे। यहाँ कुल आबादी इस वक्त हमारी मुसलमान ही है, लेकिन उसके बावजूद होने भी हमने इसकी सफाई कर रहे हैं, इसको देखभाल कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक, कोई ऐसी चिंता नहीं है इधर, कोई ऐसा आराम है, सुकून है। अब जो बलादरी हमारी हिंदू बलादरी जोर से आती है या जम्मू से कोई जिसको वापसी है, वो आके एक साल में आकर इधर जंक्शन करके चले जाते हैं। बाकी यहाँ बिल्कुल हमारी इसकी हिफाजत है इस पर, और हम देख रहे हैं इसको, हमारे में कोई ऐसी चिंता नहीं है, वो हिंदू हुआ या मुसलमान ना, हम एक बड़े प्यार से रहना चाहते हैं, हमें सुकून है, और हम इसकी इंशाल्लाह देखभाल कर रहे हैं, वो करेंगे। कम से कम इसका 200 साल का मसला है, ये पुराना मंदिर है, पुराना बहुत पहचाना था पहले, ऐसी बात नहीं थी। ऐसी चिंता यहाँ जग होता ना, हमारी बरादरी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होते हैं इधर, वो भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जग शग मनाया ये वो सब चले जाते हैं, थोड़ा सा ऐसी बात नहीं, और बड़ी चिंता, बड़ा आराम है इधर। शफी के अनुसार मंदिर में कई सालों से किसी ने पूजा पाठ नहीं की, लेकिन इसकी देखभाल हमेशा रही है। मंदिर में कोई पशु ना घुसे और ना ही मंदिर के आगे पीछे कोई गंदगी फैलाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि थन्ना मंडी में 1997 से पहले जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, तब भी मंदिर की देखभाल होती रही है। थन्ना मंडी में एक जो है ये एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जो हिंदू और मुसलमान भाईचारे को कायम रखने की में साबित हो रही है। ये मंदिर जो है यहाँ लगभग मेरी तो 35 ईयर एज है, ये बहुत पुराना बता रहे हैं, इसकी हिस्ट्री तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना है कि 100% मुस्लिम आबादी के बीच में ये मंदिर है, जिसकी देख रेख आज भी यहाँ के मुसलमान तबके के लोग ही करते हैं, चाहे वो आके सफाई करें, देखभाल करें, देख रेख करें, जो भी है आगे पीछे इसका, वो यहाँ के मुस्लिम तबके के लोग ही करते हैं। मैं बेसिकली हूँ तो यहाँ का ही, लेकिन इस चीज़ की हिस्ट्री हम नहीं बता सकते कि जैसे सुनने में आया कि कम से कम 200 साल पुराना मंदिर है यहाँ पर, ये 200 साल पुराना बताया जा रहा है। तो कितनी बड़ी मिसाल जाती है यहाँ से वापसी भाई? ये तो बहुत बड़ी मिसाल है, यहाँ के 100% आबादी मुस्लिम आबादी के बीच में एक मंदिर है जिसकी देख रेख करने के लिए मकामी लोग बढ़ चढ़ के हर टाइम हिस्सा ले रहे हैं, तो इससे और बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। पूरे भारत में चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हो, यहाँ फिर भी इस तरीके से भाईचारा कायम किया हुआ है। मेरा नाम तारिक शाल है, इस वक्त मैं थन्ना मंडी का एक तारीखी मंदिर जो इस वक्त पुराना थन्ना में वाक़ है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ। ये एक तारीखी मंदिर है, तकरीबन 200 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की काफ़ी पॉपुलेशन हुआ करती थी, जो मिलिटेंसी से पहले वो यहाँ से मुंतकिल हो गए, उन्होंने अपने जो है वो जम्मू में या रजौरी में अपना जो है वो इस वक्त अपना मकाम रखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस जो तारीखी मंदिर है थन्ना मंडी का, इसकी देख रेख जो है इस वक्त हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं, और इस वक्त भी आप ये देख सकते हैं कि इसकी दीवारों के ऊपर जो उर्दू में जो सेंटेंस लिखे हुए हैं उसमें यह है कि भाई इबादत गाहों का एहतराम जो है वो ज़रूरी है, और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँ कि मंदिर के आसपास सफाई रखें, और साथ में ये भी है कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि इसके आसपास जितने भी आबादी है वो मुसलमान आबादी है और उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं,
तो इसलिए ये जो सेंटेंस बाहर द्वार के ऊपर लिखे गए हैं उन लोगों को ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इसको साफ़ सुथरा रखना है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, यहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा हो। कितने साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है ये कम से कम जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है ये 400 साल पुराना मंदिर है और इसकी आज भी जो है देख रेख यहाँ पर हमारे हिंदू बरादरी के लोग थन्ना मंडी में इस वक्त नहीं रहते हैं। वो 97 जो जब रिजेंसी यहाँ पर पीक थी तो उस वक्त हिंदू क्या यहाँ से जो मुसलमान थे वो भी रजौरी में तरक शिफ्ट हो गए थे, तो आज इसकी देख रेख इसकी सफाई सुथराई जो है वो अपने हमारे यहाँ पर मुसलमान लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि हर साल यहाँ पर इस मंदिर में, इस तारीखी मंदिर में यहाँ जग होता है और जग में काफ़ी सारे लोग रजौरी और पुंछ के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है वो अपना चढ़ावा चलाते हैं। देखिए थन्ना मंडी जो है ना हमेशा एक अमन का गहरा रहा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल है, और इस जब यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन होती थी और मुसलमान भी होते थे और इकट्ठे एक दूसरे के साथ आना जाना, खाना पीना वो इकट्ठे रहा करते थे और उससे एक हमने पूरे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे मुल्क में एक मिसाल कायम की है और इसके बाद भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से लोगों को एक सबक सीखना चाहिए कि अगर थन्ना मंडी में पॉपुलेशन नहीं है तो फिर भी इसकी देख रेख हम मुसलमान कर रहे हैं, तो इसकी एक मिसाल है। जो लोग जो सियासी पार्टियां इस किस्म के हिंदू और मुसलमान के दरमियान फ़र्क पैदा करके लड़ाई झगड़ा आपसी झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस चीज़ से जो है इतना करना चाहिए।